Assalamualaikum एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि किस तरह आप जो है कैन स्कैनर को यूज़ करके अपने जो PC पे जो फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग को ये काम करना नहीं आता और बहुत से लोग को करना आता है और वो यूज़ करते हैं डाटा केबल। जब आप यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा काम होता है, लेकिन जो आज मैं आप लोग को तरीका बताऊँगा वो बहुत ही ईजीएस्ट वे है कि आप अपनी PDF फाइल को कैन स्कैनर की किस तरह आप कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। तो सबसे पहले आपको खोल लेना है कैन स्कैनर का ऐप अगर आपके पास डाउनलोड है, और अगर डाउनलोड नहीं है तो अगर आपको अपने स्कूल का काम वगैरह सबमिट कराना है तो मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है। अब मेरे पास यहाँ पे पड़ी है 2 PDF फाइल्स, तो इसमें से मैं एक PDF फाइल जो है वो चूज़ कर लेता हूँ अपनी। चूज़ करने के बाद आपको ये ऊपर का जो PDF का ऑप्शन आ रहा है आपको कर देना है सिंपली उस पर क्लिक। ये आप देख सकते हैं, इस पर आपको सिंपली इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये PDF फाइल बन जाएगी। फिर आपको ये देखें, ये PDF फाइल जो है वो बन गई और हम इसको क्लिक कर देंगे शेयर पे। शेयर पे क्लिक करने के बाद हम क्लिक करेंगे सेंड टू PC पे। अब वो आपको देगा एक कोड, मतलब आपको एक स्कैन करना पड़ेगा PC पे, और आपको PC पे अपने स्कैन करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं अपने PC पे और वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि आप किस तरह एक वेबसाइट को यूज़ करके आप जो है अपना उसको स्कैन कर सकते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने PC पे, और अब मैं PC पे आपको बताऊँगा कि किस तरह आपको अपनी फ़ाइल को अपने कंप्यूटर पे भेजना है। आपको अपना कंप्यूटर खोलना है, और PC अपने कंप्यूटर को खोलने के बाद आपको सिंपली सर्च करना है d.cscan.go। तो अभी ये हो रहा है ओपन, तो हम वेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये आ गया है। तो अब आप देख सकते हैं मेरे सामने आ गया। मैं इस पर रिफ्रेश पे क्लिक कर देता हूँ, और मैंने अपने कंप्यूटर में जो है कैन स्कैनर का QR कोड खोला हुआ है। तो अब मैं इसको स्कैन कर देता हूँ और ये मेरे कंप्यूटर पे आ गया। ठीक है भाई, अब यहाँ मोबाइल में आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा डिलीवर टू कंप्यूटर। आपको सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। अब ये आ गया। अब आपको अपलोड करना है इसको अपने गूगल क्लासरूम पे। तो वो आप कैसे करेंगे, एक ओपन का ऑप्शन आ रहा है, एक प्रिंट का आ रहा है, एक डाउनलोड का आ रहा है। तो आपको गूगल क्लासरूम पे अपलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने गूगल क्लासरूम पे। तो ये डाउनलोड हो रहा है मेरा, तब तक हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये मेरा हो रहा है। अब मुझे जो है, अब मैं यहाँ पर भी वीडियो पॉज कर रहा हूँ, और जैसे डाउनलोड होता है वैसे ही मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ। वैसे तो ये डाउनलोड फ़ौरन ही हो जाता है, जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे वैसे ही फ़ौरन डाउनलोड हो जाता है, लेकिन अभी मेरे इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही थी इसलिए थोड़ा आराम से डाउनलोड हुआ। तो अब गूगल क्लासरूम पे आने के बाद आपको कोई भी अपनी असाइनमेंट देख लेना है। जैसे मुझे ये मेरी असाइनमेंट मिली हुई है, तो ये मुझे अभी इसको सबमिट करना है। तो अब आप देख सकते हैं मैं किस तरह से सबमिट करूँगा। मैं जाऊँगा ऐड और क्रिएट पे, फाइल में जाऊँगा, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे मुझे 4 ऑप्शन शो होंगे, और ये अभी इंटरनेट की स्पीड की वजह से बहुत स्लोली शो हो रहे हैं। तो वेट करते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरे पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। मुझे अपलोड पे क्लिक करके यहाँ ब्राउज पे क्लिक कर देना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको अपने डाउनलोड के फोल्डर में आना है, और आपके पास ये कैन स्कैनर की फाइल आ रही है। आपको सिंपली इसको ओपन करना है, और ये ओपन हो रही है। तो वेट करते हैं हम थोड़ा सा। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा आपको सिंपली वही करना है, और अपने असाइनमेंट को कर देना है टर्न इन। तो टर्न इन हो जाएगा और आपका असाइनमेंट जो है वो अपलोड हो जाएगा। तो आज मैंने आपको ईजीएस्ट वे बता दिया अपनी असाइनमेंट को PDF फाइल को कंप्यूटर पर भेजने का, और वैसे डाटा के भी मैं बहुत तंग है। तो आज की वीडियो में नहीं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब।